आनंद हो रहा है, इसी बात की कोई परेशानी नहीं। और जो महामुनि वशिष्ठ जी महाराज पधार रहे हैं, जय हो। क्या कहा, महामुनि सर्वश्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ जी आ रहे हैं, मुझे उनका सम्मान करने के लिए प्रथम फाटक पर चलना चाहिए, संत मिलन को चालिए। तज माया अभिमान जो जो पल आगे रखू कोटन यज्ञ समान करता हूँ, ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारे ऐश्वर्य प्रताप को देवराज इंद्र। आइए मनोहर, आपका इंद्रलोक में स्वागत है। जैसे ही विश्वामित्र जी को देखा तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए कि महामुनि जी आए हैं, आने लगे। आइए 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 विश्वामित्र जी, दंडवत दंडवत दंडवत, जय हो जय हो। ये है संतों का समागम, आपस में कुशलता के बारे में पूछने लगे। कहिए, कुशल से तो रहे हैं आप? क्यों नहीं महर्षि वशिष्ठ जी, हम तो कुशल से हैं, लेकिन आप कहां से भ्रमण करते हुए चले आ रहे हैं? इस समय पर हम जो हैं अयोध्या नगरी से आ रहे हैं, हमारा जो शिष्य हरिचंद है उसके यहाँ गया था मैं, बहुत प्रफुल्लित होकर मैं वहीं से यहाँ पर आ रहा हूँ। बहुत स्वागत सत्कार किया और बहुत अच्छे आनंद से रखा। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र, क्यों नहीं महर्षि वशिष्ठ जी, आप तो हमेशा ही अपने शिष्यों की प्रशंसा किया करते हैं, और प्रशंसा ऐसी नहीं, इतनी प्रशंसा करते हैं लेकिन प्रशंसा के लायक तो नहीं है जितनी प्रशंसा आप इतनी कर रहे हो। देखिए ऋषिराज, सत्य को सत्य कहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सेवा भाव रखता है हमारा शिष्य और इतना दानी है कि जिसका नाम दान से कभी पीछे कोई काम नहीं होता, दान देने बड़ा निर्भर है। रहने दीजिए वशिष्ठ जी, रहने दीजिए, सत्यवादी भी तो है आप। इस प्रकार से सत्यता को कह रहे हैं, अरे सत्यता की परिभाषा हम जानते हैं, नहीं असत्य संपातक पुंजा और गिर सम होए की कोटिक भृंगा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हम इस बात को भी मानते हैं कि सत्य के सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं है, अरे हम ही नहीं, आगम निगम पुराण बखाना, पुराणों ने स्वयं बखान किया है। लेकिन तुम इस बात को बड़ी पुष्टि कर रहे हो कि मेरा शिष्य ऐसा है, मेरा शिष्य बड़ा धर्म करता है, ठीक है, तुम्हारा कहना सही है क्योंकि वो तुम्हारा शिष्य है। और रही असत्य की बात, तो भाई हमारी दृष्टि में तो ऐसा कोई महान भाव या कोई सज्जन ऐसा प्राणी है नहीं जो कि असत्य ना बोलता हो, हमेशा सत्य ही बोलता हो। नहीं नहीं, तो मेरा शिष्य कभी असत्य नहीं बोला है ऋषिराज, कभी असत्य नहीं बोला। यदि आपको किसी भी प्रकार से हृदय में संदेह है तो आप, मैं तो परीक्षा बहुत किया हूं, बस इस बात की परीक्षा करके देख लो। रहने दीजिए, रहने दीजिए वशिष्ठ जी, यदि आप परीक्षा की बात करते हैं, अपने शिष्य की प्रशंसा किए जा रहे हैं, यदि मैं परीक्षा में उतर आया तो फिर कौन बचा सकता है उसको। ये भगवान की आरती आप लोगों के समक्ष में आ रही है, इसका सम्मान आप लोग अवश्य किया करें। सुनिए 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 ऋषिराज, अगर हमारा शिष्य परीक्षा में कहीं अपना पीछे कदम हटा दे तो ये वशिष्ठ का सर आपके कदमों में हमेशा हमेशा के लिए झुक जाएगा। हो गया, झुका दीजिए, ये नहीं कि झुक जाएगा, अरे अपने सर को हमारे कदमों में झुका ही दीजिए वशिष्ठ जी। ऐसे नहीं, तुम्हारे शिष्य करो, तुम्हारा शिष्य इतना सत्यवादी नहीं है जो कि उसने अपने जीवन में कभी असत्य भाषण किया ही ना हो। और यदि इस बात को तुम कहते हो तो ठीक है, हम जा रहे हैं,
और तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की हम परीक्षा लेते हैं कि वो सत्यवादी है अथवा नहीं है। अगर आप पास हो जाएंगे तो ये वशिष्ठ का सर आपको झुकना चालू हो जाएगा। जाइए कीजिए परीक्षा। जा रहे हैं। और तेरी नजरों से साबुरे जाम पीना है, तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगीना है। विश्वामित्र जी चल देते हैं। अब मुझे उसकी परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम अयोध्या जाना चाहिए, लेकिन महामुनि के चरणों में सेवक का प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहिए महामुनि जी, तुम सेवक हो? जाओ, हमारा संदेश हमारी सूचना जाकर के महाराज को सुना था। जो आज्ञा। उसी समय सेवक चला गया, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी ने जोगिन को बुलाया कि हमारे समक्ष। जोगिन हमारे समक्ष आओ। महाराज को प्रणाम। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? जोगिन, हमने तुम्हें इसलिए याद किया है कि हम अयोध्या जा रहे हैं। क्यों नहीं? हमारे जाने के बाद तुम अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आना, ठीक है? और वहां पर हमारी उपस्थिति जबरदस्त मिलेगी। क्यों नहीं? परंतु करना क्या है मुझे? तुम्हें यह करना है, तुम्हारा प्रयास यही रहेगा कि तुम अपने नृत्य और गान से किसी भी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र का मन मोहित कर लो, और यदि वो वचन दे रहे उनसे मिथ्या भाषण कराने का प्रयास करना है तुम्हें। जैसी आज्ञा। आप पहुंचिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। ठीक। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। भैया डोरेवान। कहिए महाराज। हमारे राज्य की कुशलता सुनाई जाए। हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है? हमारे राज्य का कार्यभार सुचारू रूप से चलता है या नहीं चलता है? गुरु ब्राह्मणों की सेवा भली भांति से की जा रही है या नहीं की जा रही है? मंदिरों में, देवालयों में, धर्मशालाओं में विधि पूर्वक सेवा पूजा होती है या नहीं होती है? क्योंकि बजे ताली युगल कर से तो नियम यही सदा से है। ये प्रजा है जबकि राजा से, तो ये राजा भी प्रजा से है। प्रजा एक ले रहा था भाग है और राजा उसका माली है। कहो अपने श्री मुख से फलती फूलती प्रत्येक डाली है। इन सभी बातों से हमें अवगत कराया जाए। हाँ राज राजेंद्र, आपके भय से शत्रु सर झुकाते हैं, यश और न्याय का डंका बजाते हैं। घर घर है धन दूत पूत से आबादानी, सिंह और बकरी पीते एक घाट पे पानी। देवालय विद्यालय इन सभी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है महाराज। और कोई नवीन समाचार हो तो वो भी हमें सुनाया जाए। महामुनि विश्वामित्र जी का पधार्पण हो रहा है। वक्षवन निवासी दरबार में फधार रहे हैं। जय हो। गुरुदेव आपका पधार्पण धन है हमारे लिए, जो कि आज आपके ये चरण
इस राज्य में पड़े हैं। मैं आपके चरणों के दर्शन करने के बाद धन्य हो चुका हूं, आसन ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं भाई, शिष्टाचारी तो बहुत अच्छे से करते हो रजन, सिंहासन पर आसन दे रहे हो, आइए। लेकिन इस सिंहासन पर तो तुम ही सुशोभित हो, हम तुम्हारे पास अवश्य बैठेंगे। गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। और मैं ये देख रहा हूं, जब मैंने आपके मुखारविंद की ओर देखा तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि आप अपने मन में कुछ इच्छा को लेकर के आए। अवश्य, क्योंकि ऐसी कृपा करी न कबहू, जैसे आए के पाए लखाइए हजू, हाजिर है हमरो धन धाम धैर धरा सब राज समाजू, सो कहिए रस रंगमणि आपको आगमन भयो कही काजू, किस कारण से आपका पधार्पण हुआ है प्रभु। महाराज हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा है, ऐसा ही नहीं कुछ महर्षि कुछ देव पुरुष भी तुम्हारी प्रशंसा करने लग गए हैं। जय हो। इन्हीं विचारों को लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूं कि मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए मुझे 60 बार सोने की आवश्यकता है। गुरुदेव क्या मुझे प्राप्त हो सकता है या नहीं? गुरुदेव आप तो 60 बार सोने की कह रहे हो, अरे जो भी कुछ है सब आपका ही तो है। मैं तो एक सेवक के समान हूं, क्योंकि तन से मन से वचन से तन से मन से वचन से दिल जान से देह प्राण से द्रव्य से सल्तनत से दौलत और सम्मान से हर तरह हाजिर हूं भगवल, कुछ नहीं इनकार है, जो कुछ है सब आपका, ये सेवक तो पहरेदार है। 60 बार स्मरण की आप कह रहे हो, सब कुछ ये आपका ही तो है प्रभु। धन्य है, बड़े ही सुंदर और श्रेष्ठ विचार है, तो आप सोना देने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो ठीक है, तुमने दिया और हमने लिया मंत्रीवर, लेकिन जाओ कोष खजाने से 60 बार स्मरण लेकर के आओ और इस राज को भेंट कर दो। ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्यों? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मुझे और भी बहुत से कार्य हैं, उनको भी करना है। अरे आपने दे दिया हमने ले लिया, जब हमको आवश्यकता होगी तो पुनः हम तुम्हारे पास लेने के लिए आ जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, आपकी अमानत हमारे पास धरोहर रूप में रखी हुई है, जब भी आप चाहे आप 60 बार स्मरण ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर, बड़े ही सुंदर विचार। गुरुदेव प्रणाम। 60 बार सोने का संकल्प महाराजा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया, और उसी समय कोई भी याचक आए तो उसे निर्मुख नहीं जाना चाहिए, जो भी उसकी इच्छा हो उसको पूर्ण किया जाए। जैसी आ गया महाराज, उसी समय जोगिन का पदार्पण हुआ। महाराज की जय हो। सेवक महाराज से कहो काशी से एक जोगिन दरबार में आना चाहती है। अवश्य महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज कहो भैया डोरीवाल क्या बात है। महाराज प्रथम डोरियों पर काशी से एक जोगिन आपके दरबार में आना चाहती है। जोगिन आना चाहती है जी महाराज। ठीक है, उसे सम्मान सहित लेकर के आओ। आइए प्रसन्न रहो। कहो आपका जो पधारपण हुआ है काशी से हुआ है? हाँ महाराज। हाथ में ये आपके तंबूर भी है, भीड़ा भी है, खड़ताल भी है, गाने में कुछ निपुण दिखाई दे रही हो। हाँ महाराज, संगीत कला में मैं ज्यादा रुचि रखती हूँ, और जहाँ जहाँ भी गई हूँ सभी ने ये कहा है कि बहुत सुंदर गाती हो। अगर आपकी इच्छा हो
तो मैं कुछ आपको भी सुनाऊं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनाइए, क्या सुनाना चाहती है? क्यों नहीं। अरे रटले हरी काना जी महोबा आपकी ओर से 11 रुपए की राशि। जय श्री राम। क्योंकि जो प्राणी जितना यहाँ में कर जाएगा वही उसके साथ जाएगा, ये शरीर और उसके साथ नहीं जा सकता। पापी करे और ये गंगा नहाए, इससे तो प्राणी अपने पापी छुपाए। तुम्हारा ये भजन बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं, हम भजन सुनकर के अति प्रसन्न हुए और ये हार तुम्हें हम भेंट कर रहे हैं, इसे स्वीकार करो। महाराज, इस हार का मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर हार मुझे देना ही चाहती हैं तो पहले मुझसे विवाह कीजिए और विवाह में जो हार पहनाया जाता है उसी को पहना दीजिए महाराज। नहीं, ऐसा कदाप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते हैं, हमारा विवाह हो चुका है और हमारी पत्नी भी है, पुत्र है। फिर एक रानी के होते हुए हम तुमसे विवाह कैसे कर सकते हैं? हमने तुम्हारा भजन सुना, अच्छा लगा, ये हार हम प्रसन्न होकर के तुम्हें दे रहे हैं, इसे बस स्वीकार करो और जहाँ जाना हो वहाँ जा सकती हो। महाराज, तो आप फिर एक ये दीजिए कि हमें आपका भजन अच्छा नहीं लगा, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कदाप नहीं होगा। ऐसा कदाप नहीं होगा। हाँ। तो फिर क्या होगा? होगा यही, होगा यही, तुझे तेरी चोटी पकड़ के खींचते हुए दरबार से बाहर निकाल दिया। क्या कहा? एक अगला पर अत्याचार। उसी समय सेवक ने केसों को पकड़ लिया। एक अगला खबरदार, ये कैसा अत्याचार? महाराज देखिए, भरी सभा में अत्याचार, भरी सभा में एक अगला पर अत्याचार हो रहा। महाराज आप ही बतलाइए। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो राजा हरिश्चंद्र, हम ये क्या देख रहे हैं गुरुदेव? कि एक राज दरबार में एक अबला के ऊपर इससे अत्याचार किया जाए। गुरुदेव, ये अबला यहां से धक्के मारकर निकालने योग्य है। क्यों? वो इसलिए ये यहां पर आई, इन्होंने कहा कि हम भजन सुनाना चाहते हैं, सुनाओ। भजन सुनाया,
हम प्रसन्न हुए। हमने इसे हार देना चाहा, लेकिन ये हार लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। हुआ यही, कहने लगी कि हमारे साथ विवाह करो, उसके बाद में ये हार हमें भेंट करो। तो हमारा विवाह हो चुका है, भला इसके साथ हम विवाह कैसे कर सकते हैं? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे विवाह के लिए वो कह रही है, आग्रह कर रही है, तो तुम्हें विवाह कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा विवाह हो चुका है, हमारे पुत्र भी है। तो फिर एक पत्नी के होते हुए हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है दूसरा विवाह नहीं कर सकते, तो फिर तुम अपने मुख से ये कह दो कि हम प्रसन्न नहीं हुए। ये कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। ना तो आज तक हमने झूठ बोला है। अरे जागृत अवस्था में तो बहुत दूर, हमने कभी भी स्वप्न में भी झूठ। दो, लाओ, दो मुझे। ठीक है गुरुदेव, कह दिया मुख से वही होगा वही होगा, करूंगा फादा पूरा, फर्क एक तिल नहीं होगा। ये राज मैंने आपको दिया। हमने स्वीकार किया, राज और खजाना गुज्जी लगाम तुमने हमें दे दी। लेकिन हरिश्चंद्र, जोगिन प्रस्थान कर, जोगिन तुम जा सकती हो। गुरुदेव, तुमने विचार नहीं किया और सब कुछ मुझे दे दिया। गुरुदेव, जब मैंने अपने मुख से कह दिया कि राज आपका हुआ और दिया, तो मैं मुकरने वाला नहीं हूं। ठीक है, तुम मुकरने वाले नहीं हो, तुमने राज खजाना तो मुझे अर्पण कर ही दिया, लेकिन वो जो मेरा 60 भार सोना था, वह भी तो मुझे चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, ये आप अच्छी तरह से जानते, जब ये राज आपका हो चुका है, कोस खजाना धन दौलत सब कुछ आपकी हो चुकी है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 60 भार सुमरण की बात है, कोस खजाने से आप ले सकते हैं, मेरे पास क्या है? उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, दिए हुए दान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वह तो तुमने मुझे अर्पण ही कर दिया, लेकिन 60 भार सोना जो तुम्हारे ऊपर धरती पर तोड़ रखा था, जो कि मैंने तुमसे कहा था कि समय आने पर मैं मांगूंगा, आज मुझे उस 60 भार सोने की आवश्यकता है। सत्य कहते हो गुरुदेव, अरे ये कोस खजाना, ये राजपाट, ये ताज, और यहाँ के महाराज सब आप ही तो हैं। मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है, और जो 60 भार सुमरण मैंने देने के लिए आपको कहा था, वो तो मेरे पास बतौर अमानत के रखा था, लेकिन मैं उसे देने का अधिकारी हूं। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैं आपका 60 भार सुमरण अवश्य दूंगा। गुरुदेव, क्षमा करने की जरूरत नहीं। सीता में अफसोस किया, मुझसे पाप हो गया है, उसके लिए क्षमा करे गुरुदेव, क्षमा करे। और सीता में अफसोस किया, पाप में निभारा ये
आपका हो चुका है, ये राज आपका हो चुका है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। नहीं राजा, इस राज पर, इस ताज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने एक यत्र विचारा है, जो हमारी महारानी है उससे सलाह मशवरा अभी तक मैंने नहीं ली। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी प्रिय तारा से कुछ सलाह मशवरा करना चाहता हूं। प्रभु महाराज, तुम्हें सोने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, जो हमारा दान है उसको तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम अपनी पत्नी से मिलो अथवा पुत्र से मिलो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। प्रभु जो आपकी अमानत है वो तो मैं अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए मोहलत चाहिए, ज्यादा नहीं तो प्रभु एक माह के लिए मुझे मोहलत दीजिए। मैं एक माह के अंदर आपको 60 बार सुमरण अर्पित कर दूंगा प्रभु। ठीक है। उसी समय महारानी तारा एवं रोहित का आगमन हुआ। महारानी महाराजा हरिश्चंद्र की ओर देखती हैं तो चिंतित हो जाती हैं कि आज कारण क्या है। ये चेहरा, स्वामी ये क्या हुआ, आपका मुखमंडल जो हमेशा कमल के समान खिला रहता था आज मलिन क्यों है? देख रही हूं आपके स्थान पर ये महाराज विराजमान हैं और आपने राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया। हे नाथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार, गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार, दासी को बतलाइए मेरे प्रीतम प्राण आधार, प्रीतम प्राण आधार, उदासी कैसे चेहरे पर, दुख संगी अर्धांगी तेरे दिल को नहीं सवर है, हो के मुझ तरफ किस लिए रहे सर्द उफ भर है, भरे चश्म में अस्के खुश्क लब गालिब कौन फिकर है, आपके दिली हार
काल को जी आलम रे जो मलाल को जी कीजिए हाजिर सैया पैया पढ़ू पिया प्यारे की पुन पुन लऊं पढ़ू